अभी हमारे साथ गुलाबी गैंग की महिला कमांडर संपत पाल है, जिनके नाम से डाकू भी थर 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 कांपते थे। ये बिग बॉस में भी जा चुकी हैं और अभी हमारे साथ मिथिला की बेटी बिहार की शेरनी प्रियंका झा हैं और तमाम लोग गुलाबी गैंग की सदस्य हैं। हम बातचीत करेंगे आपसे मैम। SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो ये विवाद था सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ, अभी आपने जाकर धमकी दी, खुले रूप से चेतावनी दी मनीष दुबे को, जो SDM ज्योति मौर्य का तथा कथित बॉयफ्रेंड कहा जा रहा था। आप ये इस बात का ऐलान की कि मनीष दुबे को अब पता चलेगा, ऐसा डंडा ठोकेंगे कि उसका जीना हराम हो जाएगा। वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो गद्दार था। इसलिए कि कई लड़कियों के साथ उन्होंने जो धोखा किया, अपनी पत्नी के ऊपर धोखा किया, वो भी पत्नी उस तरह की नहीं है कि अरेंज मैरिज वाली पत्नी है, उसको भी कहीं ना कहीं धोखा करके और छल करके लाया, उसको छल ही माना जाता है। इसीलिए ज्योति मौर्य को छल किया। और ज्योति मौर्य ऐसी SDM थी कि महिलाओं के नाम की कलंकित थी, ऐसी महिला जो ये जो हमने वीडियो देखा है कि जो दोनों बता रहे हैं अपने आदमी की मारने की, आलोक मौर्य के, अरे वो बोल रहे थे मालूम है उसमें क्या निकला है, हमने एक यही सोशल मीडिया से जाना है कि दोनों बात कर रहे हैं कि मेरे रास्ते से हटा दो और मैं तलाक देना चाहती हूँ, तलाक नहीं दे रहा, वो बोल रहा है मनीष कि क्या करूं, गाड़ी से कुचला दूं, ये बात पूरी दुनिया जाना। और दूसरी बात है कि ज्योति मौर्य को सिखा रहा है कि तुम इसका मूस की दवा दे दो, वो कह रहे ये मरेगा नहीं, मेरे रास्ते से हटवा दो, इसे तो मरवाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों अपराधी हैं, दोनों को जेल जाना चाहिए, नौकरी से टर्मिनेट होना चाहिए इनको, ये जिंदगी भर के लिए बर्खास्त होना चाहिए। ये सस्पेंड नहीं, सस्पेंड में ये बहाल हो जाएंगे। और ऐसे अपराधियों के बहुत पैसा होता है। मैं हमने ये मांग नहीं की उस दिन महोबा में, हम ये कहा किया कि इसका बर्खास्त नहीं, इसको टर्मिनेट करो, इसको जेल भेजो, ये दोनों जेल के पात्र हैं। और ऐसे लोगों की फांसी की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ज्योति मौर्य। और अबे हम प्लान बना रहे हैं इलाहाबाद के लिए कि सारी बहनें, अभी ये प्रियंका जी आ गई है बिहार से और सारी बिहार से महिलाएं आएंगी और कई देश कई प्रांतों की महिलाएं आएंगी। हम तो अभी पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को तैयार कर रखा है कि जब तक ये ज्योति मौर्य का जेल नहीं हो जाती, इसकी नौकरी नहीं चली जाती, और ये मनीष दुबे की, ये दोनों उतने ही अपराधी हैं जितना मनीष दुबे है, उतना ये मतलब ज्योति मौर्य है। इसलिए कि अनपढ़ गंवार थोड़ी थी कि बहकाए फुसलाए में आ गए। एक SDM की कुर्सी में बैठी थी, जिस महिलाओं के न्याय के लिए बैठी थी, जिस गरीब लोगों के न्याय के लिए बैठी थी, ये अपनी ही जिंदगी को खिलवाड़ बना रखा, अपनी बेटियों को दो दो बेटी का जन्म दे करके उन बिटियों की जिंदगी बेकार कर दी। ये बताओ अगर ये आलोक मौर्य इतना होशियार ना होता तो इसको तो मरवा देता। वो बिटिया बेचारी क्या करती, इसे तो पति मिल जाता, वो बेटियों को किसका प्यार मिलता, उसके बाप को मरवा देती। ये मनीष दुबे उन्हें कभी अपनाता? तो ये ज्योति मौर्य इतनी बड़ी अपराधीन है कि ये किसी महिला के गले नहीं उतर रही। हम महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं की भलाई करते हैं, मैं हर हमेशा अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दी हूँ महिलाओं के पक्ष के लिए, लेकिन ऐसी नालायक औरत के लिए नहीं किया। कि कोई औरत अपराधी हो उसे हम महिला माने, इसे जेल जाना चाहिए। और अगर ये जेल नहीं जाएगी तो हम भाई धरना प्रदर्शन में इस तरह नहीं भरते, ना भूख हड़ताल करते, हम इसकी ईंट में ईंट बजाएंगे, हाँ ईंट बजाएंगे इसके दरवाजे में जा करके। वो SDM ज्योति मौर्य का ये कहना है कि यदि मैं मनीष दुबे के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तरक्की करना चाहती हूँ, तो किसी तीसरे के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, वो इस बात का ऐलान कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि जब तक इन दोनों को नौकरी से नहीं हटा दिया जाएगा, जब तक इन दोनों को जो है पद से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक अगर ये उसको मारने की प्लान न करती और नौकरी से इस्तीफा दे देती, फिर अपनी दोनों जिंदगी में रहते हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने इसका प्लान देखा है, अगर सरकार इसको जेल नहीं भेजी तो मनी आलोक का मर्डर होगा और जाने कितने लोगों को ये मर्डर करवा सकती है, सोशल मीडिया वालों को भी ये कुछ ना कुछ कर सकती है अगर इसको छुट्टा छोड़ा जाएगा। अब इसे जेल जाना तय है और इसको जेल जाना चाहिए, इसलिए कि यह महिला नाम की कलंकित है। और जो अगर ये खरे चोखन ये बात कर रही है तो एक पुरानी कहावत है कि फूट गई दो का करी को, ये बोल नहीं रही, इसका ये जो वक्त हुआ है ना बुरा वक्त, जो अपने आदमी के पेट में लात मारा, वो अपने बच्चों को पाला पोसा, इसको पढ़ाया, इसका फ्रेश दिमाग दिया, नहीं कोई पत्नी जब आती है ससुराल तो तुरंत बच्चे हो जाते उसी में फंस जाती है, कोई IAS की कोई महिला तैयारी नहीं करती, करती है तो बेटियां करती हैं, बीबी बहुत कम करती हैं। आलोक मौर्य इन्होंने जो पढ़ाई की है
ऐसे पति घर घर होना चाहिए, और ऐसे पति का मैं बहादुर मानती हूँ। आलोक मौर्य मिल जाएगा, मैंने पूरी उसको ताकत दूंगी। अगर उसके पास पैसा भी नहीं होंगे ये केस लड़ने के लिए, तो हम सारी महिला चंदा करेंगे, चंदा लगा के। हाँ, पूरे गुलाबी गैंग की महिलाएं जितनी हमारी 11 लाख औरत है, हम 5-5 रुपए का चंदा करेंगे, आलोक मौर्य का जितवा के रहेंगे। आलोक मौर्य का अपनी होशियारी से चलना होगा। इस महिला को जब तक जेल नहीं जाती, ये मर्डर उसका करवा देगी। आप हाँ। समझ में ये नहीं आता, यदि देश का कानून तो कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एडल्ट्री कहीं से बैन नहीं है, यानी कि यदि कोई महिला कोई पुरुष जो है अपनी इच्छा से किसी के साथ संबंध बनाए, प्यार करें, लव यू करें, चैट करें, बाबू सोना करें, तो किसी तीसरे को दिक्कत तो क्या नहीं। कोई महिला प्यार करेगी तो मारने का प्लान करेगी क्या? अरे वो प्यार करती तो ये सीफा लगा के करती, जिस कुर्सी पे बैठी है वो प्यार करने वाली, ऐसी ऐसी पद में बैठी। एक देखिए, ये ऐसी पोस्ट होती है कि यही बिना घूस गपट्टा के ये नौकरी लगती है। बाकी पुलिस वाले घूस दे के पुलिस बने, तमाम ऐसे लोग हैं जो घूस दे के सरकार का बनते हैं। ये आईएएस की जो परीक्षा, पीसीएस की जो परीक्षा करते हैं, वो दिमाग से होता है और वो सबके लिए होता है। ऐसी महिला अपनी जिंदगी जीना चाहे तो ये इससे नीकी, तो इससे अच्छी तो वैश्या होती हैं। हम तो उनकी तारीफ करेंगे, ये ज्योति मौर्य वैश्या है, ये वैश्या है। अरे क्यों, वो वैसे नहीं है, ऐसी बड़ी कुर्सी में बैठी अपनी जिंदगी जीना चाहती, कैसी एक अधिकारी को? अरे वो काहे के अधिकार है, आप फिर वही कैसे? अरे फिर वही बात, वो अधिकारी किस बात की, किसका अधिकार दिया वो? अपने आदमी का तो अधिकार नहीं दे पाई, अपने बच्चों का, छोटी छोटी बच्चियों का तो अधिकार नहीं दे पाई, हम लोगों का देगी? हम क्यों अधिकारी माने उसको? उसकी तो हम बैंड बजाएंगे, आप परेशान ना हो, बैंड बजा। हाँ हाँ बजाऊंगी, लोग इस बजाती रहूंगी। इस बात की चर्चा है कि मनीष दुबे को जब से आप हड़का कर आई हैं, कहीं हैं महोबा में जाकर, कहीं हैं मनीष दुबे को महोबा से भगा कर दम लेंगे, और आप ये कहीं हैं कि ऐसा डंडा ठोकेंगे कि उसका जीना हराम हो जाएगा। अब इस बात की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया पर है कि आपके डर से वो फरार हो गया है। अभी मैं कह रही हूँ कि वो मेरे डर से नहीं, वो अपने अपराधों से फरार हुआ है। अगर वो अपराधी ना होता तो हम कितने डंडे बजाते, क्यों तमाम पुलिस वालों को बजाते तो रहते हैं, वो क्यों नहीं भाग जाते? और ये अपराधी था तो भाग गया है इसलिए कि हाँ हाँ, वो डर था उसको कि मैं अपराधी था, गलत था, हो सकता है गुलाबी गैंग की महिलाएं कहीं घसीट ना ले जाएं। सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, कितना खुश है? सरकार सस्पेंड अभी किया है, मैं सस्पेंड से खुशी नहीं हूँ, इसलिए कि जब तक ये जेल नहीं जाएगा और इसको टर्मिनेट होना चाहिए। हमने एक दरोगा को महोबा कानपुर में टर्मिनेट की थी, इसलिए कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा था, तो हम उसके बस खाली हाथ पकड़ लिया कि तेरे में दम है तो बताओ, और तेरे में दम ना हो तो हमें बताओ, तो वो टर्मिनेट हो गया था और आज तक वो बहाल नहीं हुआ। ऐसे लोगों को ये हम सबक सिखाएं। देख सकते हैं कि ये गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल हैं और तमाम महिलाओं को लेकर न्याय की आवाज बुलंद करती हैं, तमाम महिलाओं के हक और आवाज को बुलंद करती हुई नजर आती हैं। ये महिला कमांडर हैं और इनकी और भी महिला कमांडर हैं। ये तमाम लोग इस बात का खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि SDM ज्योति मौर्य को जेल होना चाहिए, साथ में जो उसका तथा कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे है उसको भी डिसमिस कर देना चाहिए और उसका भी जेल होना चाहिए। इसलिए जेल होना चाहिए क्योंकि वो दोनों लव यू कर रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो पति आलोक मौर्य को जान से मारने का साजिश रच रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, मनीष दुबे को ऊपर और भी अपराध लगा है कि वो महिलाओं को रात में बुलाता था, और जब महिला होमगार्ड इस बात से डिनाई करती थी कि हम नहीं आएंगे तो उन्हें भी प्रताड़ित करता था। नंबर तीन, वो अपने पत्नी तनु पराशर से दहेज उत्पीड़न करने का भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो इस आरोप पर भी आप लोग बहिष्कार करती हैं? मैं इसको बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। हाँ। जो होमगार्ड महिलाओं को प्रताड़ित करता था, कभी कभी महिलाएं ऐसा होती है ना बिचारी की बड़े मुश्किल से नौकरी लगती है, डरती हैं कि कैसा ऐसा ना करें, तो कभी कभी महिलाएं इतने कमजोरी में प्रताड़ित हो जाती है, कहीं ये निकाल न देता, हो सकता है वो लड़कियां डर रही होंगी इसलिए अपनी आवाज को नहीं बुलंद किया। आगे जो घुटना टेक दे वो भी पुलिस में उसको भर्ती होने का, उसे वर्दी पहनने का हक भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, लेकिन हमें ये चीज का जब जानकारी नहीं थी तो हम क्या बताएं। जब से आलोक मौर्य अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा और एक एक सबूत के साथ लड़ा, और आज हमारी छाती में इतना बड़ा दम भर गया कि ऐसे पति होना चाहिए जो सबूत के साथ लड़े। देखो ऐसे तो तमाम लगा देते, मैं तो कह रही हूँ कि होमगार्ड महिला जिनके जिनके साथ वो प्रताड़ना किए वो हमारे पास आ जाए, सबको, विदेश की नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश की आ जाए, हमसे बात करे ना, कब क्या हुआ,
फिर देखते हैं क्या होता है। वो तो कह रही है कि खाना तक बनवाते थे, कहते थे जबरदस्ती घर में बुलाते थे और कहते थे रात का खाना बना। देखिए मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, इसलिए कि मुझे नहीं पता है, उनके पास मेरे पास अब कोई सबूत नहीं है, मैं बेसाबूत की बात नहीं करती हूँ। अगर बनवाते तो फिर क्यों बनवाते थे, क्यों जाती थी, क्या करती थी? हर महिला बाद में यही रोना लगे, ये मैं बेसाबूत की ना बात करूंगी। आ जाए ना, हमें सबूत लेके आए, फिर देखते हैं मनीष दुबे का जहाँ भी होगा उसका आवाज खुदवा देंगे, देख ले। हाँ हाँ, बाबा बुलडोजर चलाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को चलावे ना बुलडोजर। तो ये देखिए गुलाबी गैंग की खुली चेतावनी है जो महिला मनीष दुबे से प्रताड़ित हुई हैं। खुलेआम रूप से इनका कहना है कि वो गुलाबी गैंग के पास आएं और अपनी बात रखें, यदि उनकी बातों में सत्यता झलकती हुई पाई जाएगी तो गुलाबी गैंग का ये कहना है ईंट से ईंट बजा देंगे, अभी तो सिर्फ मनीष दुबे फरार है। ये डंटे यूं ही रुकेगी नहीं जब तक ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के साथ ये सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक ये डंटा चलेगी और बहुत जल्द ये डंटा आपको इलाहाबाद सब में भी देखने को मिलेगी। क्या दीदी? ये डंडा एक नहीं, ऐसी ज्योति मौर्य कोई भी महिला बनेगी, हर हमेशा डंडा खड़ा है, आज से नहीं है, क्योंकि आज से नहीं है। ये गुलाबी गैंग का डंडा 2006 में ये डंडा उठा था। इनके बारे में ये धारणा है कि आपसे डाकू भी थर 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 कांपते थे, जो डाकू बड़ी बड़ी बंदूकें लेके AK-47 लेके चलते थे वो भी आपसे कांपते थे। ना उनकी बंदूक, ना उनकी गोली, ना हमारी बोली। अच्छा, और ये है बुंदेलखंड की लाठी। हाँ। और बुंदेलखंड की सुनो कहानी, हम बुंदेलों की बानी में। हाँ। पानी दार यहाँ का पानी और आग यहाँ की पानी में, हम वो महिला है। देखिये कोर्ट रिपोर्ट काला कोट, जब कोई कोटों से राहत नहीं होती ना तो सीधा बांस कोट, ये है बांस कोट, यही असली बांस कोट, ये हमारा बहुत बड़ा कोट है, सबसे बड़ी अदालत जनता होती है, कोट हमारे लिए है, कानून हमारे लिए है, संविधान हमारे लिए है, अगर हम संविधान का पालन करेंगे तो संविधान हमारा ही बनाया है, समाज का ही बनाया है, हमारे लिए बना है।